कल मैं पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में था और वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात हुई और सस्टेनेबिलिटी की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पश्चिमी देशों की राय थी कि ग्रीन हाइड्रोजन इसको ही हम लोगों ने अल्टरनेट पावर के रूप में या एनर्जी रिप्लेसमेंट सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो ये मानते थे कि ग्रीन हाइड्रोजन जो नेचुरल गैस से तैयार होगा उसी को हमने मानना चाहिए। तो इसका मतलब ये था कि फिर एक बार पश्चिमी राष्ट्र अपनी मोनोपोली तैयार करना चाहते थे, क्योंकि नेचुरल गैस तो उनके पास है, नेचुरल गैस ये फॉसिल है। और फिर भारत ने भूमिका ली कि क्यों केवल नेचुरल गैस से, अगर एनर्जी रिप्लेसमेंट करना है तो हम लोग सोलर का उपयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं, अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, नॉन फॉसिल से हम तैयार कर सकते हैं। तो एक नई डिबेट इससे शुरू हुई और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजों का विचार हमको करना पड़ेगा। आज माइनिंग का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र निश्चित ही अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहा है और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आशीष जी ने जो कही वो है एनवायरमेंटल क्लियरेंस की। आज एक माइन ऑक्शन में भी अलॉट होने के बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस में बहुत समय लगता है, इसी लेकर उसका ऑक्शन करने की कोशिश की गई लेकिन कंसल्टेंट ही नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है लेकिन इसको सुधारना पड़ेगा और इसके बाद इसी लेकर ही ऑक्शन किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और उस दृष्टि से अगर यहां के कंसल्टेंट तैयार नहीं होंगे तो विदेशों से लाएंगे। ये ऐसी कोई अभी रॉकेट साइंस की टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसको कंसल्टेंट नहीं मिले। एनवायरमेंट इंपैक्ट एनालिसिस एक बहुत माइनिंग के लिए सेट पैटर्न से होता है, उसका पानी पर क्या परिणाम है, उसका सॉइल पर क्या परिणाम है, उसका ग्राउंड वाटर पर क्या परिणाम है, उसका एयर पर क्या परिणाम है, उसके ट्रांसपोर्टेशन से कितना पोल्यूशन, ऐसे बिल्कुल पैरामीटर्स के सेट पैरामीटर्स है। इसलिए हमारे सचिव यहां पर है आशीष जी ने जो ध्यान में लाकर दिया है वो महत्वपूर्ण है। हमने तुरंत इस संदर्भ में निर्णय करके और इसके इसी प्राप्त करके जितने ब्लॉक्स हमारे पास उपलब्ध है वो सारे ब्लॉक्स हम लोगों ने ऑक्शन के लिए उपलब्ध कराने चाहिए।